सो नमस्ते दोस्तों, टुडे आज हम देखेंगे कि लैपिंग प्रोसेस क्या है। तो लैपिंग प्रोसेस किस लिए यूज़ करते, कहाँ यूज़ करते और कौन से कंपोनेंट इंजन में यूज़ करते, तो लैपिंग प्रोसेस के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो लैपिंग प्रोसेस में बेसिकली ये आपका जो फिगर है इन फ्रंट ऑफ यू इज इंजन फिगर, ये आपके सामने जो है ये इंजन का फिगर है, दिस इज़ द हेड ऑफ द इंजन। ओके, नाउ क्या होता है, इंजन कुछ 1-2 लाख किलोमीटर चलने के बाद इंजन के जो वॉल्स है वो ख़राब हो जाते हैं, दैट इज़ द सरफेस ऑफ द वॉल, वॉल के जो सरफेस है, ये जो सरफेस है वॉल का, ये ख़राब हो जाता है। और इसमें सरफेस ख़राब होने से, सरफेस का जो वेयर एंड टेयर होने के कारण, इससे क्या होता है कि जो भी कंप्रेशन है, जो भी डेवलप हो रहा है इंजन में, ये कंप्रेशन लीक हो जाता है, और कंप्रेशन लीक होने के कारण इंजन पूरा का पूरा पावर डेवलप नहीं कर पाता, और इंजन का परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी और एवरेज इंजन का दोनों डाउन हो जाता है। ओके, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वॉल जो है, ये वॉल कंप्रेशन इंजन के अंदर कंप्रेशन को बरकरार नहीं रख पाता, उसके कारण क्या होता है कि कंप्रेशन लीक हो जाता है और इसमें पावर की कमी आ जाती है। ओके, तो और उसका एक और एक इसका एक डिसएडवांटेज ये है, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इनलेट वॉल है तो क्या होता है कि ऑयल जो है, जहाँ पे लुब्रिकेशन के लिए जो ऑयल आता है, ये ऑयल क्या होता है कि यहाँ से सीपेज होके, ये अगर ये इनलेट वॉल है तो ये ऑयल यहाँ से इसके अंदर चले जाता है कंबशन चेंबर में, और ये ऑयल कंबशन चेंबर में जलने लगता है। तो ऑयल कंबशन चेंबर में जलने के कारण क्या होता है कि इंजन जो है वो ब्लू स्मोक देता है और गाड़ी का ऑयल का खपत बढ़ जाता है। ओके, तो अगर आपकी गाड़ी का पावर, पिकअप, एफिशिएंसी, एवरेज, और अगर आपका गाड़ी ऑयल बहुत ज़्यादा खाता है, तो आप समझ जाना कि आपकी गाड़ी का ये जो वॉल है ये ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो वॉल अगर ये ख़राब होता है तो ये वॉल को अपने को रिप्लेस करना है। वॉल रिप्लेस करने के लिए अपने को वॉल और वॉल सीट दोनों आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप ये फिगर में देख रहे हो, ये वॉल सीट है, इसके ऊपर वॉल बैठता है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी चेंज होंगी। ओके, तो वॉल और वॉल सीट चेंज करते समय क्या होता है कि ये अगर ये जो नया वॉल है और नई वॉल सीट है, तो नया वॉल और नई वॉल सीट लगाने के बाद भी उसमें बिल्कुल परफेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, बिकॉज़ मशीनिंग करने के बाद थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज़ इसमें रह जाती है। तो ये अगर नया वॉल है और नई वॉल सीट है, तो क्या होता है, नया वॉल और नई वॉल सीट इंस्टॉल करने के बाद आप देखोगे, अंडर माइक्रोस्कोप अगर आप देखोगे, तो उसके जो मैटिंग सरफेसेस है, जैसे ये दोनों जो सरफेस है, इसमें अगर देखोगे कि थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज़, ऊपर नीचे चढ़ाव उतार वाला सरफेस आपको अंडर माइक्रोस्कोप दिखेंगे। और अगर आपने विदाउट लैपिंग अगर इसको डायरेक्टली आपने अगर इसको इंजन में लगा दिया, तो क्या होगा कि यहाँ से कंप्रेशन लीक होने के चांसेस फिर से बढ़ जाएंगे। ओके, सो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए अपने को ये जो सरफेस है ये परफेक्टली अलाइंड लाइक दिस, इसको परफेक्टली स्मूथ करना है अपने को, सो दैट जो इरेगुलरिटीज़ है वो कम्प्लीटली चले जाने को होना। ठीक है, और ये सरफेस एकदम स्मूथ रहने को होना, सो दैट देर इज़ अ परफेक्ट कॉन्टैक्ट, इन दोनों के बीच में परफेक्ट कॉन्टैक्ट होने को होना चाहिए, सो दैट इसके अंदर जो भी कंप्रेशन है वो यहाँ से बाहर नहीं जाए। ओके, तो उसके लिए अपने को लैपिंग करना है। ठीक है, तो लैपिंग करने के लिए ये है अपना वॉल ग्राइंडिंग ट्यूब, इसको बोलेंगे एब्रेसिव स्लरी ट्यूब, इसमें एब्रेसिव स्लरी है, इसमें थोड़े इसमें हार्ड मटेरियल के, जैसे डायमंड पार्टिकल और सिरामिक पार्टिकल, जैसे जो हार्ड पार्टिकल की स्लरी इसमें पार्टिकल्स इस स्लरी में मौजूद होने के कारण, इसमें क्या होता है कि ये पेस्ट में हार्ड पार्टिकल की स्लरी प्रेजेंट होती है, और ये पेस्ट यहाँ पे वॉल पे लगाने के बाद क्या होगा कि ये पेस्ट वॉल को लगाना है आपको, और ऐसे वॉल के हेड में आपको ये वॉल के हेड में आपको ये जो है ये वॉल ऐसे इंसर्ट कर देना है। ओके, और इंसर्ट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ दिस पावर टूल, ये पावर टूल से इस वॉल को अपने को घुमाना है राइटवर्ड डायरेक्शन। ओके, आप इसको घुमाएंगे,
इन द राइट वर्ड डायरेक्शन, क्लॉक वाइज डायरेक्शन अगर आप इसको घुमाएंगे तो क्या होगा कि इसके बीच, इसमें बीच में जो भी इरेगुलरिटीज़ है वो पूरी रेगुलर हो जाएंगी। अगर आप ये अगर फिगर देखते हो तो ये अगर वॉल सीट है और ये अगर वॉल है तो क्या होगा, इसके बीच में स्लरी है, ओके। और क्या होगा अगर इसके बीच में अगर रिलेटिव मोशन आपने दी, फॉर एग्जांपल इसको अगर आपने ऐसा टू एंड फ्रो इसको अगर आपने किया, ठीक है, आगे पीछे ये अगर वॉल को किया आपने, तो क्या होता है, क्या होगा कि ये जो एब्रेसिव पार्टिकल है ये इसको माइक्रो ग्राइंड करेंगे वॉल को भी और वॉल सीट को भी, ओके। और जितने भी रफ और जितने भी इरेगुलरिटीज़ यहाँ पे जो है वॉल सीट और वॉल के बीच में, ये सरफेस में जितने भी इरेगुलरिटीज़ है वो ये स्लरी क्या करेंगी, इसको माइक्रो ग्राइंड करेंगी, और माइक्रो ग्राइंड करने के कारण ये दोनों जो वॉल और वॉल सीट का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ये एकदम परफेक्टली स्मूथ हो जाएगा। और इसमें ये जो है, ये जो मैंने आपको फिगर बताई थी, ये जो है ये परफेक्टली स्मूथ हो जाएगा बिल्कुल, और यहाँ से कंप्रेशन लीक नहीं होगा। जैसे ये परफेक्टली स्मूथ हो गया और यहाँ से कंप्रेशन लीक नहीं होगा, ओके। तो ये भी एक, ये मैंने अब इसके पहले पावर टूल का बताया था, अब ये हैंड लैपिंग टूल है, ये आप इसको हाथ से भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपने वॉल डाला है इन्वर्टेड, और विद द हेल्प ऑफ दिस टूल आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको ग्राइंड धीरे धीरे इसको ग्राइंड करके इसको स्मूथ कर सकते हो, ओके। सो दिस इज़ दैट टूल, ये माइक्रो ग्राइंडिंग का, और माइक्रो ग्राइंडिंग और लैपिंग होने के बाद ये जो वॉल है ये परफेक्टली इसमें बैठ जाएगा वॉल सीट में, और यहाँ से कोई भी लीकेज नहीं होगा, ओके। और आपका जो इंजन है वो पूरा कंप्रेशन होल्ड करेगा आखिरी तक, और कंप्रेशन लीक नहीं होने के कारण इंजन जो है वो अच्छे से आपका परफॉर्म करेगा, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लैपिंग प्रोसेस। अगर आपके कोई सजेशंस और सुझाव है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, और कोई क्वेश्चंस है, आपको डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में भेज सकते हैं। थैंक यू।